हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बी एस सी ए जी का, जो हमारा 6 सेमेस्टर का अगला आज का एग्जाम पेपर हुआ है, बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसके फुल सजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास बुकलेट सीरीज है वो है डी, तो इस हिसाब से आप लोग अपना मैनेज करना। गाइस तब तक के लिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, तब तक के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हर एक फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, क्लास हर एक फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना सोल्यूशन हल कर सके और अपना स्कोर जान सके। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला था कि उच्च क्वालिटी का लाभ उत्पन्न करने वाली फसल है, तो दोस्तों कौन सी है, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कुसमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट का ये। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कि लाख प्राप्त किया जाता है। दोस्तों लाख प्राप्त किया जाता है किससे, प्राप्त किया जाता है नर गेट से, मादा गेट से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मादा गेट से। ठीक है गाइस, गाइड्स अगर आप लोग जल्दी से जल्दी हर एक फ्रेंड के पास क्लास शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा थर्ड नंबर कि एक लाख, एक साल में लाख गेट की कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों कितनी पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि प्लेटिला जाइलोसीटला वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों किसका है, जो जाइलोसीटला वैज्ञानिक नाम है किसका है, वो है डायमंड वैग मॉथ का। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 हेलिकोरवापा और जी आर्मीजेरा वैज्ञानिक नाम है दोस्तों किसका है। तो ये करेक्ट आंसर दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ये सभी का सभी, यानी कि ये सभी का सभी होगा ये जिसमें लगता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 मेनल फूड फ्राई अंडे कहाँ देती है। दोस्तों कहाँ देती है, वो देती है इन साइड ऑफ पंप यानी कि फल के अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है तने के चारों तरफ पॉलीथीन सीट या चिपकने वाले बैन लगाना कीट का नियंत्रण करते हैं दोस्तों किसके द्वारा। तो दोस्तों मैंगो मिली बग का करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, मैंगो मिली बग यानी कि आम का फूका, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 किस फल कीट का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। दोस्तों किस फल कीट का, तो दोस्तों मैंगो स्टोन बिबिल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सफ़ेद गिटार एक वर्ष में कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों कितनी पाई जाती हैं, 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक पीढ़ी पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कपास के माहों का कुल है। दोस्तों कपास के माहों का कुल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का गाइस जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर सी एफिडिनी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कद्दू के लाल कीड़ा को क्षतिकारक अवस्था क्या है। दोस्तों कद्दू का जो लाल कीड़ा है उसकी क्षतिकारक अवस्था क्या है, प्रोन ग्रेप निम्फ या कैटरपिलर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ग्रेप, जो क्षतिकारक अवस्था है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 की पोलू वीटल एक भयानक कीट पीड़क है। दोस्तों किसका है, वो है काली पीपर का, काली पीपर का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 बिहार फलदार सूढ़ी का कुल है। दोस्तों बिहार फलदार सूढ़ी का जो कुल है वो है लाइमेन ट्रीडी, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14 फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था है। दोस्तों कौन सी है, जो फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था है दोस्तों वो है मैगेट, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17-15 दिया गया है कि एरियोसोमा लेनी जेसेरम एक भयंकर कीट पीड़क है। दोस्तों किसका है, सेब का है, नाशपाती का है, बेर का है, ए बी दोनों का है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, 15 का जो का इसका करेक्ट आंसर है वो ए और बी दोनों यानी सेब और नाशपाती दोनों का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। तो दोस्तों वो हमारा चीन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 17 इरी रेशम कीट को पाला जाता है। दोस्तों कहाँ पाया जाता है, वो अरंड की पत्ती पर पाला जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 18 शहतूत के रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। दोस्तों कितना होता है, वो 40 से 50 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये क्वेश्चन गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज की कल की क्लासों में आउट हुए थे, ये भी क्वेश्चन हमारा आउट हुआ था, इसके बाद 2 क्वेश्चन ऊपर निकल चुके हैं। तो गाइस जिन लोगों ने क्लासेस करी होंगी उनसे करीब 10 से 15 क्वेश्चन कल की क्लास से आउट हुए थे। तो गाइस अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 19 नंबर जो है कि शहतूत के रेशम कीट का है। दोस्तों क्या है, वो है बॉम्बिसिडी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन 19 का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 मूंगा रेशम कीट है। दोस्तों मूंगा रेशम कीट किस कैसा है, वो है जंगली वाइल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, रेशम कीट को कोकून के अंदर पीपी को मारने के को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीट फिलिंग, ऑप्शन नंबर
स्विफ्ट प्लेन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का नेक्स्ट होगा 22, बॉम्बिक्स मोरी है एक क्या है दोस्तों, एक शाका एकाहारी है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेशम कीट पालन सामान्यता है दोस्तों कैसा है, भारतीय रेशम कीट पालन सामान्यता जो है दो द्रोपड़ी है, द्रोपीड़ी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, लार्वा की अवस्था जिसमें रेशम उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं दोस्तों कौन सी है, वो है पाँचवीं अवस्था, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। तो इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 दिया है, रेशम कीट में प्राइवनी बीमारी का रोग कारक है दोस्तों, पेब्राइन जो बीमारी है उसका रोग कारक क्या होता है, वो होता है नोसेमा बॉम्बिसाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, गाइस 26 में जो दिया गया, रेशम कीट में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न की जाती है दोस्तों कौन सी की जाती है, वो की जाती है पेब्राइन, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 की, केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो मुख्यालय हमारा है वो है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का नेक्स्ट होगा 28 की, यूजी मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, वो है एक्सोरिस्टा सर्विलेंस, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, मरे हुए कोया से धागा हटाने को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिलिंग, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, रिलिंग कहते हैं ठीक है गाइस। नेक्स्ट होगा 30 में, रेशम कीट में मास गार्डिंग रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है दोस्तों, वो फंगस के द्वारा होता है यानी कि फफूंदी, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट होगा 31 की, रेशम कीट में कौन सी बीमारी यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस के द्वारा होती है, के कारण होती है दोस्तों, कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया है 31 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ग्रेसरी, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का नेक्स्ट होगा 32, एशियाई मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, एशियाई मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है एपी सिरसा इंडिका, सिराना इंडिका, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट होगा 33, शाही भोजन स्रावित किया जाता है दोस्तों, किसे किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है हाइपोफेरेंजियल ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का नेक्स्ट होगा 34 की, रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है दोस्तों, रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है, वो निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ठीक है गाइस। नेक्स्ट होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, श्रमिक मधुमक्खी है दोस्तों कौन सी है, श्रमिक मधुमक्खी कौन सी है, वो है बांझ मादा को श्रमिक मधुमक्खी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वो हमारा बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट होगा 36, मधुमक्खी में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं दोस्तों, मधुमक्खी में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं रेप्टोरियल, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। 36 का नेक्स्ट होगा 37, मधुमक्खी में किस उदारीय खंड में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों, कौन से उदारीय खंड होता है, ये होता है 4 से 7, और ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। 37 का नेक्स्ट होगा 38 कि मधुमक्खी में अमेरिकन पाउल ब्रूड बीमारी होती है दोस्तों, किसके कारण होती है, वो वायरस के कारण होती है, ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का वायरस। नेक्स्ट होगा 39 दिया है, पुरानी रानी का प्रतिस्थापन नई पुत्री रानी के द्वारा करने को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सुपर सीजर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सुपरा सीजर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होगा 40 में दिया गया, भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं दोस्तों कौन है, वो है A.S. अटवाल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का नेक्स्ट होगा 41, मधुमक्खियों में संचार के अध्ययन पर किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों, प्रोफेसर कार्ल वान फ्रिस को, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का नेक्स्ट होगा 42 में दिया गया, चक्रीय नेत्र के द्वारा खाद्य स्रोत दूरी की सूचना होती है दोस्तों, कितने मीटर की होती है, बहुत ही 50 मीटर से कम, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का नेक्स्ट होगा 43, श्रमिक मधुमक्खी में डंक रूपांतरित भाग है दोस्तों, श्रमिक मधुमक्खी का जो डंक है वो रूपांतरित भाग है, किसका है, अरंड रोपक का, अंड रोपक का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का नेक्स्ट होगा 44 की, हनी फ्लो ना होने वाले दिनों को कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डर्थ पीरियड, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। 44 का नेक्स्ट होगा 45, मधुमक्खी में प्रथम उदारीय खंड के पश्च वच के साथ संयुक्त होने को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रोपोडियम, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, प्रोपोडियम। 45 का नेक्स्ट होगा 46 दिया, वी मिल्क को कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रॉयल जेली, वी मिल्क को रॉयल जेली कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा, सही भोजन ठीक है। 46 का नेक्स्ट होगा 47
इसलिए ऑफ वाइट बीमारी का कारण है दोस्तों, इसलिए ऑफ वाइट बीमारी का जो रोग कारक है वो है माइट। आपका नंबर हमारा डी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट होगा 48 दिया, रानी मधुमक्खी प्रतिदिन अंडे देती है दोस्तों, वो देती है 1200 से 1200, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 48 का। नेक्स्ट होगा 49, केंद्रीय मधुमक्खी शोध प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय है दोस्तों कहाँ, ये हमारा पुणे में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 49 का। नेक्स्ट होगा 50, 50 में दिया गया एपिस मेलिफेरा को कौन से वैज्ञानिक ने इटली से भारत में प्रस्थापित किया दोस्तों, किसने किया था, वो किया था प्रोफेसर AS अटवाल, जो कि इसके जनक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट होगा 51, विश्व में भारत में मद उत्पादन का स्थान है दोस्तों कौन सा है, वो है सातवां, सातवां भारत का भौगोलिक स्थान भी दोस्तों सातवां ही है, तथा विश्व में मद उत्पादन में भी जो भारत का स्थान है वो वाइस है सातवां, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 51 का। नेक्स्ट होगा 52 दिए, गैलीलियो गैलीरिया मिलोनिल्ला है एक दोस्तों, क्या है ये हमारा एक है बड़ा मोमी सवल, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 52 का। नेक्स्ट होगा 53, भारत में सर्वाधिक लाभ पैदा करने वाला राज्य है दोस्तों कौन सा है, वो हमारा है झारखंड, सबसे अधिक लाभ पैदा करने वाला जो राज्य है गाइस वो है हमारा झारखंड। तो गाइस आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ रेड वाले बटन को दबाकर गाइस सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट है 54, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गेम्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वो है रांची में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा गाइस रांची में। नेक्स्ट होगा 52, 5 लाख केड में कौन सी ग्रंथि लाग के श्रावण करती है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि करती है, वो करती है क्यूटेरियस क्यूटेनियस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा 55 का। नेक्स्ट होगा 56, 56 में दिया गया है लाग केड का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या है, लाग केड का जो वैज्ञानिक नाम है गाइस वो है ये सभी के सभी, तो ऑप्शन नंबर हमारा 56 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा, ये सभी के सभी ठीक है ऑप्शन डी। नेक्स्ट होगा 57, लाख कीट का गढ़ है दोस्तों, लाख कीट का गढ़ कौन सा है, वो है हेमी पटेरा, हेमी पटेरा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 57 का। नेक्स्ट होगा 58 कि लाख कीट किस प्रकार के अंडे देती है दोस्तों, लाख कीट जो है आप ऑप्शन सी राइट होगा, निषेचित तथा अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट है 58 का। नेक्स्ट है इस 59 कि लाख कीट में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है दोस्तों, किसका प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है अंड सजी प्रवजेता, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो 59 का ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें दोस्तों। सर्वाधिक लाभ उत्पन्न करने वाली कौन सी फसल है, वो रंगीनी है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का गाइस ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। ओके गाइस, तो आज की क्लास हमारी खत्म हुई और सोल्यूशन हमारा पूरा हल हुआ, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। ओके गाइस, हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।